हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आता जीते ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। यह अपना चौथा लेक्चर है तालीन तालिंजर ढोल पे, जो इंफॉर्मेशन ऑफ तालिंजर फोल्ड है, इस पे 14। मैं तुषार चौधरी का स्वागत करता हूँ। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। इससे पहले अपन ने तीन लेक्चर में हमें हमने तीन लेक्चरों में बता दिया था। यह अपना चौथा लेक्चर है, इसमें अपन जानकारी ले रहे हैं। आप जो पद्म पुराण है, इसमें तालिंजर को नवरूथन कहते हैं और विश्व के सबसे प्राचीन स्थल बताया जाए। मत्स्य पुराण में इसे अवंतिका या अमरकंठक कहा गया है। और अपना जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जातक कथाओं में इसे तालिदिरी कहा गया है। तालिंदा तेरा महिमा ब्रह्म पुराण में कहा गया है। और यहाँ धाती क्षेत्र धने वन घास से खुले मैदान से घिरा हुआ है। प्राचीन वैभव स्थान तप करने और ध्यान लगाने या आध्यात्मिक कार्य के लिए यही स्थान अच्छा है, यानी आदर्श माना गया है। यानी इस स्थान की एक खासियत यह है कि यहाँ पे आध्यात्मिक कार्य के लिए अच्छा माना, यानी तप के लिए भी अच्छा है। क्यों है? क्योंकि यहाँ घने वन व घास वाले मैदान हैं। इसे अलग अलग पुराणों ने अलग अलग नाम दिया दया। नेक्स्ट है ऐतिहासिक धरोहर। ऐतिहासिक धरोहर में से दूरवते निचले तलहीरा में बसे तब्जी कस्बे दोनों तरफ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरें, प्राचीन मंदिरें, अवशेष मूर्तियाँ, शिलालेख, दोपाए आदि मौजूद हैं। दूरदर्शन में तोती तीर्थ भी है, जो 20,000 वर्ष पुरानी संत लिपि में स्थित है। रामायण काल में वनवास के समय भगवान राम के तालिंजर आदमन का उल्लेख है, यानी संत लिपि में तालिंजर आदमन का उल्लेख है। अनुसार श्री राम सीता कुंज के पास सीता से ठहरे थे। तालिंजर शोध संस्थान ने अरविंद छिरोलिया ने बनवाया था। यह हिंदू पुराणों के अनुसार ये पद्म पुराण और वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। इसके अलावा बूढ़ा बूढ़ी सरोवर, नीलकंठेश्वर मंदिर यहाँ पे प्रसिद्ध है। 9वीं शताब्दी के पांडुलिपि या सही चंदेल वंश तालीन समय का भी वर्णन यहाँ पे किया गया, यानी यहाँ पे क्या क्या किया गया है। रामायण के वन के समय रोते राम का उल्लेख है संत लिपि में, जो संत लिपि। उसके बाद यहाँ पे तत्कालीन निर्देश तालंजर शोध संतान का निर्माण किया गया है। पद्म और वाल्मीकि रामायण में मिलता है हिंदू परंपरा। इसके अलावा बूढ़ा बूढ़ी सरोवर, नीलकंठ या चंदेल वंशों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर दूरद प्रथम द्वारा 16वीं सदी में औरंगजेब द्वारा लिखवाया है। दूरद प्रथम द्वार 16वीं सदी में औरंगजेब के द्वारा लिखवाया गई प्रस्तर लिपि है। दूरदते समीता ताभीर धाती भी है, जो दूरद बने होते ताभीर साथी और शेरशाह सूरी के भतीजे इस्लाम शाह ने 1545 ईस्वी में लदवा दिया था।
ताफिर धातु। लद्दाख दिया था प्रशासनिक। इस्लाम शाह दिल्ली तादाद किलो होने के बाद यह मस्जिद बनवा दी थी। इससे तालिंजर का नाम बदलता पिता शेर शाह सूरी के नाम पर रहता शेर तो रहता था शेर तिपाही। लिपि गुप्ता के अनुसार तालिंजर कैदेश्वी राजा तालिंजर एतेश्वी राजा व रानी दुर्गावती के पिता तीर्थी वर्मा सहित यह बहुत सहयोगी की हत्या भी उसी ने तलवाने तीसरे ने शेरशाह सूरी ने रानी दुर्गावती के पिता कीर्ति वर्मन सहित 16 सहयोगी की हत्या तीसरे ने तलवाई शेरशाह सूरी के पुत्र भतीजे इस्लाम शाह ने तलवा और पुरातत्व विभाग ने पूरे दुर्द में फैली भिखारी हुई तूती बिखरी हुई तूती शिला तारों मूर्तियों तो एकत्रित ये संग्रहालय सुरक्षित रहता है। ये संग्रहालय इसमें दुप्त काल में महत्वपूर्ण भारत के अभिलेख संचालित है। संत लिपि में 3 अभिलेख मिलते हैं स्थापना स्थापना के बाद तालिंजर दुर्ग विंध्याचल पर्वत के 600-700 फीट ऊंचाई पर स्थित था। तिचोरी और इस दुर्ग की स्थापना शैलियाँ दिखाई गई है। दुर्ग शैली प्रतिहार नरेश और पंचायती नगर प्रतिहार शैली और पंचायती नगर शैली आदि प्रातित्य हैं। यह संचय वस्तु में आधुनिक पुराण ब्राह्य संहिता और वस्तु साहित्य के अनुसार है। किले के बीचों भी अजय पताता नामक एक झील है और जिसके आसपास ही प्राचीन मंदिर और यह ऐसे तीर्थ मंदिर है जिन्हें अनदिन विधियों से बनाया गया है। दूर पर प्रवेश द्वार 7 दरवाजे हैं और यह दरवाजे एक दूसरे से भिन्न शैली या अलंकृत है। यह स्तंभ एक दीवार से तही प्रतिलिपियाँ बनी हुई है। मान्यता है कि इसे खजाने का रहस्य छुपा क्या माने अने यहाँ जो भी बना है ये ए लिपि के दूसरे लिपि में है। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना और जो लिखा हो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो। 7 दरवाजे वाले दुर्गा प्रथम सिंह द्वार दूसरा दूसरा द्वार गणेश द्वार तीसरा चार चंडी द्वार चौथा द्वार स्वर्ण रोहन द्वार बुद्ध दल द्वार। इसके बाद एक जलाशय है जो गौरव तुन या गांधी तुन कहलाता है। किले का पांचवा तलात्मक बना है तथा इसका नाम हनुमान द्वार रखा गया है। यह तलात्मक शिल्पकारी मूर्तियां चंदेल शासकों के समय शिलालेख मिलते इसे लिखों में कीर्ति वर्ण और मदत वर्ण के नाम मिलते हैं। ने तीसरा नाम मिलता है इसमें कीर्ति वर्मन और मदन वर्मन का नाम पत्र भक्त श्रवण तुम्हार का चित्र भी बना है। 6 द्वार लाल द्वार कहलाता है जिसके पश्चिम में हिमर तुंदी स्थित है। चंदेल शासनोत्तर तला प्रेम या मूर्तियों का साफ झलकता है। 7वां द्वार नेमी द्वार है जिसमें महादेव द्वार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इस 7वां द्वार के अलावा ये दुर्ग में मुगल बादशाह आलमगीर
औरंगजेब द्वारा निर्मित अलम्दीन द्वार, चोथुलजी द्वार, बुद्धभद्र द्वार और बड़ा द्वार नाम दिया गया। दूरदर्शिता से नामक एक छोटी सी गुफा है, जाए पत्थर तपत पलत व तातिया रखा गया। लोतमान ने इसे रामायण सीता का विश्राम स्थल मानते हैं। यह तही तीर्था तीर्थियों के लिए आलेख है। यह एक तुंड है जो सीता तुंड कहलाता है। जिले किले थे मेदुआला या दूरिया नमक तो ताल है जिसे जल तो औषधि दोनों तक भरपूर माना जाता है। मान्यता है कि इसका जल चर्म रोग के लिए लाभदायक है तथा इसका स्थान टालना कुष्ठ रोग का निवारण तथा विश्वास है कि चंदल आता तीर्थी बन पुष्ट रोज से भी स्तन हैं। बात के लिए टाइम नेस्ट में नए योद्धों में आपका स्वागत है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक यू।